नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बरसित और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ब्लूटूथ ईयरफोन का लॉन्ग टर्म यूज़र ओनरशिप रिव्यू। तो दोस्तों, मैं जो ब्लूटूथ ईयरफोन का बात कर रहा हूँ वो है ये है आपका बोल्ट एक्सप्लोड ऑडियो, और इसे मैं करीबन एक डेढ़ महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ। और कहने को तो मेरे को ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आया। ये प्रोडक्ट कोई पेड रिव्यू नहीं है, ये मैं अपना बस एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इसमें मुझे क्या पसंद आया, कैसा है, इसके फीचर्स क्या है, क्या खूबियाँ है, क्या खामियाँ है, इस वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊँगा और इसकी प्राइसिंग भी बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, आप जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ और पूरा देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इसका एक्चुअल रिटेल बॉक्स नहीं है, ये एक्चुअली इसमें पाउच है। ये ईयरफोन मेरे भाई ने ख़रीदा था अपने कॉलेज में, तो उसका जो रिटेल बॉक्स था वो वहीं पे छूट गया है। बट एनी हाउ, रिटेल बॉक्स आप ये फ़ोटो में देख सकते हैं इधर, तो इसका रिटेल बॉक्स ऐसा था। एनीवेज, वो रिटेल बॉक्स में ज़्यादा कुछ नहीं, एक मैनुअल था और ये पाउच था और ईयरफोन था, और पाउच के अंदर ही ईयरफोन रहता है। तो बाकी आप देख सकते हैं, ये पाउच के अंदर ये डाटा केबल मिलता है आपका, ये दिखा दे रहा हूँ, नॉर्मल USB टू आपका माइक्रो USB है ये, जो कि आपके ईयरफोन को चार्ज करने में मदद करता है। और बाकी इसके अंदर कुछ ईयरबड्स और ईयर टिप्स मिल जाते हैं, और ये कुछ फिन्स मिल जाते हैं। ये देखिए, ये कुछ स्मॉल ईयरबड्स है और स्मॉल ईयर फिन्स है, और ये बड़े वाले ईयरबड्स है और बड़े वाले फिन्स है। साथ ही साथ एक वायर एडजस्टर आपका ये क्लिप भी मिल जाता है, और ये तो आपको दिखाई देता है डाटा केबल। और जो मीडियम वाले हैं, वो जो आपके फिन्स और आपका ईयरबड्स है, वो आपके ये देखिए, ये ईयरफोन में लगे हुए हैं, ठीक है। सो टोटल ऐसा तीन पेयर का सेट मिलता है इसमें। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो ईयरफोन है, पहले तो ये मैग्नेटिक है। अगर आप इसको ऐसा जिम में यूज़ करते हैं या ऐसा ट्रैवल भी यूज़ करते हैं, और अगर आप गाने वाने नहीं सुनते हैं इसमें, तो ये आपका ऐसा लॉकेट बन जाएगा। और इसका ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपका कहीं पे घूमेगा नहीं, आपके गले में ही रहेगा, कहीं पे गिरेगा नहीं, तो ये एक सिक्योरिटी हो जाती है। बाकी दूसरी बात है, आप जैसे कि देख पा रहे हैं, अगर ये मैग्नेटिक है तो ऑब्वियसली इसका जो ये केसिंग है ये भी मेटल का है, और ये एक्चुअली इनका जो बोला जाता है ये है आपका एरोस्पेस एल्यूमिनियम ग्रेड का अलॉय बॉडी है ये। और बाकी ये ईयरफोन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, गोल्ड कलर में है, बाकी ब्लैक में भी आता है और ग्रे में भी आता है। ये इसका कंट्रोलर है, और बाकी इसका जो ये माइक है, ये आपका कंडेंसर माइक्रोफोन है, जो कि आपके आजकल का जो HD कॉलिंग जो होता है, HD आपका ऑडियो कॉलिंग वीडियो कॉलिंग, वो दोनों के लिए कंपैटिबल है। बाकी इधर है LED इंडिकेटर है, इधर आपका ये आपका प्ले पॉज का बटन है, प्लस ये पावर ऑन ऑफ का भी बटन का काम करता है, और इधर ही आपका प्लस का बटन है, ये इधर आपका माइनस का बटन है, और ये आपका गाने को फास्ट फॉरवर्ड और ट्रैक चेंज करने में भी काम आता है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं इसको ऑन करूँ तो एक ब्लू कलर की लाइट जलती है, और फिर ये रेड कलर का ब्लिंक होने लगता है, ताकि ये मतलब सर्च कर रहा है किसके साथ ये पेयर होगा। बाकी दोस्तों, अगर मैं इस ईयरफोन को पहनता हूँ, तो जैसे कि मैं आपको पहन के दिखा रहा हूँ ये ईयरफोन, ये आप जैसे देख पा रहे हैं, ये पूरा ही कान के अंदर जाके बैठ जाता है, तो कि ये कान के अंदर सिक्योर हो जाता है काफ़ी। और ये भी पहन के दिखाता हूँ आपको, तो ये ऐसा लगता है कुछ पहनने में, थोड़ा सा बाहर निकला हुआ रहता है, क्योंकि इसका जो शेल है वो भी बड़ा है। और ये इसलिए बड़ा है क्योंकि इसके अंदर जो आपका जो एकदम क्रिस्प बेस आता है, जो कि ये वाला ईयरफोन जाना जाता है, इसमें काफ़ी अच्छा बेस है इसका। लो एंड और मिड, जो लो है और मिड है, वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है और बहुत ही ज़्यादा डीप बेस देता है, वो इसके वजह से है। और इसमें जो आपका एक छोटा सा माइक्रो वूफर भी लगा हुआ है, उसके वजह से ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाता है और ज़्यादा एक्सटेंडेड लगता है। दोस्तों, जैसे कि पहले भी मैंने कहा था, ये एरोस्पेस एल्यूमिनियम ग्रेड एलॉय बॉडी है, और इसका जो ये वायरिंग है, ये पूरा एक आपका केवलार टेक्नोलॉजी में है, तो ये काफ़ी रगेड और रफ एंड टफ ईयरफोन है। जैसा कि इसका ईयर टिप्स है, वो आपका सिलिकॉन का पूरा बनाया हुआ है,
और ये जो इसका ईयर टिप्स है, ये लगभग आपका 24 डेसिबल्स तक का नॉइस आइसोलेशन कर सकता है। और बाकी इसमें आपका ब्लूटूथ 4.1 का इस्तेमाल किया गया है, जो कि आपका किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस, आपका iOS डिवाइस या मैकबुक या पीसी से आपका इजीली कनेक्ट हो सकता है। कनेक्टिविटी में इसमें कोई इश्यूज नहीं है। चिपसेट है वो आपका क्वालकॉम का CSR8635 चिपसेट है, और इसका जो इम्पीडेंस है वो 16 ओम्स का है, और इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक का है। इसका जो बैटरी बैकअप है, जो जैसे कि मैं तो एक एवरेज यूज़र हूँ, तो इसका बैटरी बैकअप मुझे लगभग 2 से 3 दिन तक मिल जाता है, और अगर आप रेगुलर इसको यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम में 6 से 8 घंटे तक चलेगा। और बाकी इसका जो वेट है वो इसका 12 ग्राम्स का है। जो ये ईयरफोन है वो आपका आता है IPX5 वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंस के साथ, और जो इसकी प्राइसिंग है वो है आपका मिंत्रा में 1499 रुपीज़ का, बट मेरे भाई ने जब इसको खरीदा था तब वो था 1199 रुपीज़ का। ओके सो दोस्तों, होप सो ये ईयरफोन के बारे में सब कुछ मैंने बता दिया है। अब बाकी जो मेरा जो इस ईयरफोन के बारे में कहना है, मुझे क्या पसंद आया इस ईयरफोन में, क्या नहीं पसंद आया, वो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो इस ईयरफोन का बेस बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा लो एंड मिड एंड का बेस और साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा है। हाई एंड में थोड़ा सा इसका बहुत हल्का सा आवाज़ फटने लग जाता है, वो फ़ोन टू फ़ोन डिपेंड करता है, इतना कोई मैटर नहीं करता, हल्का सा एकदम आवाज़ फटता है, और लेकिन ये अपना क्लैरिटी और बेस मेंटेन करके रखता है नो डाउट, लेकिन हल्का सा हाई एंड में जाके थोड़ा बहुत आवाज़ फटता है। बाकी जब हम इन ईयरफोन्स को पहनते हैं, इसी मैं पहन रहा हूँ, इन ईयरफोन्स को पहनते हैं जैसे कि ऐसे, तो ये हल्का सा निकला हुआ रहता है, तो ये चीज़ मुझे थोड़ी बहुत बेकार लगी है इस ईयरफोन के बारे में। लेकिन क्या करें, इसका जो माइक्रो सब वूफर है उसके वजह से इसका डिज़ाइन ऐसा है। एनीवेज, होप सो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा इसके बारे में। इसका अगर आपको ख़रीदना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, और ज़रूर क्या क्या कुछ और मैंने मिस आउट किया हो इसके बारे में, क्या सजेशंस देना हो, कुछ पूछना हो, तो ज़रूर आप कमेंट डाउन करिएगा इस वीडियो में। और प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आपको फर्दर और भी ज़्यादा ऐसे गैजेट्स और ऑटोमोबाइल्स के बारे में रिव्यूज़ और जानकारी मैं दे पाऊँ। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्ते।